हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एंड टुडे इज आई थिंक 2nd of December, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज करेंट अफेयर्स। तो हम इसमें 5 टॉपिक कवर करते हैं, ये 5 लिखने के लिए जिससे ज़्यादा ही हो जाता है। सो एज द करेंट अफेयर्स आर नॉट अपडेटेड फ्रिक्वेंटली, तो ये बात है हमारी सीजी की। तो हम इसमें क्या करते हैं कि पुराने अफेयर्स बोलता हूँ मैं, पुराने जो न्यूज़ हैं वो भी चेक करते हैं। देन आपको सब्सक्राइब करना है चैनल, देन ये आपके हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, आपको पता होना चाहिए अभी तक तो, बिकॉज मैंने नेशनल भी कवर किया है इसमें, तो उसमें बैंक एग्जाम्स के भी थोड़े बहुत आ जाते हैं। तो स्पेशली क्या है किसके लिए, अभी सीजीपीएससी प्री मेंस और जो असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट RIN पटवारी का पोस्ट आ रहा है उसके लिए है। ओके, तो बिना कोई देरी के चलो चालू करते हैं। तो नेशनल न्यूज़ में आज का है कि 2016 का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो इंडिया में हुआ था, ये इंडिया जो है उसको न्यू दिल्ली में होस्ट हो रहा है। मतलब 2016 का विश्व आर्थिक मंच जो है WEF बोलते हैं उसको, वो भारत का जो आर्थिक शिखर सम्मेलन है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2016 इन इंडिया इन न्यू दिल्ली, कूल। इसमें बेसिकली बातचीत जो होगी वो होगी मास्टरिंग द 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मीन्स कि हरित जो हमारी औद्योगिक क्रांति में महारत हासिल करने वाला जो आने में चल रहा है, एंड ड्राइविंग सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल ग्रोथ है, ठीक है। तो ड्राइविंग सतत और समान विकास और इम्प्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने का आसान सुधार, वैसे हमको कैसे व्यापार को आराम से कर सकते हैं। तो आजकल सब लोग जा रहे हैं क्या बोलते हैं ऑनलाइन माध्यम में, तो दैट इज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो नाउ अब आते हैं नोबेल प्राइज में। तो नोबेल पीस प्राइज जो है 2016 को कोलंबियन प्रेसिडेंट जुआन मैनुअल सैंटोस को मिला है। तो मैनुअल में क्या रहता है, आप ऐसे याद कर सकते हैं जो पीस है, पीस तभी होगा जब आप एक सेट ऑफ थिंग को फॉलो करेंगे। तो अगर आपको बोला है कि आज एक काम करो, कल ये काम करो, परसों ये काम करो, ये काम मत करो, तो अगर आप अपने माँ बाप का ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं, तो आप एक मैनुअल को दिया हुआ फॉलो कर रहे हैं, तो आप पीस है वो। बेसिकली ये मेरा निमोनिक है, आप अपने बना सकते हैं। तो बेसिकली मैनुअल, तो मैनुअल याद, मैनुअल होगा, पीस होगा, संतोष होगा, पीस संतोष, अरे यार ये तो अरा शांति संतोष, ठीक है। तो आराम से जॉन मैनुअल संतोष सैंटोस है वो बेसिकली, पर ठीक है। तो नोबेल शांति पुरस्कार 2016 को कोलंबिया के राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सैंटोस को दिया गया है। तो शांति कब होगी, जब संतोष होगा, तो ठीक है। एंड 4th BRICS जो है, जो कि वो साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन मिनिस्टर जो मीटिंग है वो जयपुर में हुई, और इंडिया के जो इंडियन यंग वाले हैं वो क्या बोलते हैं वो हुई थी हमारे न्यू दिल्ली में। ओके, तो 4थी BRICS विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री स्तरीय बैठक जो है वो जयपुर में आयोजित की। एंड मध्य प्रदेश ने क्या किया, लालिमा अभियान लॉन्च किया है। ये लालिमा अभियान क्या है, ये लालिमा अभियान जो है ये एनीमिया से मुक्त प्रदेश को बनाने के लिए अभियान चालू हुआ है। कुल चलें दूसरे प्रेजेंटेशन में, सो बेसिकली स्लाइड में। तो जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है इसने क्या किया है, इसने प्लान टू कंस्ट्रक्ट द नेशनल लार्जेस्ट LPG पाइपलाइन, ठीक है। कहाँ से, गुजरात को से गोरखपुर तक, ठीक है, ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में है, टू सप्लाई ग्रोइंग डिमांड फॉर कुकिंग गैस इन द कंट्री। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने देश में रसोई गैस की बढ़ती मांग को देखकर आपूर्ति करने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में गुजरात तट से गोरखपुर के लिए देश का एक सबसे लंबा रसोई के पाइपलाइन निर्माण करने का एक घोषणा किया है, योजना बनाई है। तो एट प्रेजेंट मतलब करेंटली क्या है, गेल जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये करेंटली 1415 किलोमीटर का है, ये भी गुजरात में है, गुजरात टू लोनी, मतलब वो ये अपना गुजरात टू गोरखपुर है, G2G, ये तो G2L है, ठीक है, ये जामनगर में है। तो नई दिल्ली जामनगर बेसिकली, ये आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो ये भी डन, ये भी डन। सो लेट्स बैक टू अदर स्लाइड। एंड सो ये है कि नासा ने क्या किया ना, एक इलेक्ट्रो एक्टिव बैंडेज डेवलप किया है। इलेक्ट्रो एक्टिव बैंडेज मतलब बैंडेज के अंदर इलेक्ट्रिक करंट होगा, लेकिन लो डेंसिटी का। सो एंड जो वो है वो क्या है, जो सब्सटेंस यूज़ किया है वो है पॉलीवेलाइंडीन फ्लोराइड, मतलब PVDF और PVC, मतलब पॉली मतलब प्लास्टिक होता है थोड़ा सा, तो इसको हम ध्यान से बोल सकते हैं इलेक्ट्रो एक्टिव बैंडेज। तो बेसिकली ये है क्या, पॉलीविनाइल आयोडीन फ्लोराइड, ठीक है। नासा ने घाव भरने में तेजी के लिए इलेक्ट्रोएक्टिव पट्टी का विकासित किया है जिसको बोलते हैं पॉलीविनाइलिडेने, ठीक है ऐसा नाम है इसका, फ्लोराइड या इलेक्ट्रोएक्टिव पट्टी। अब इसमें होता क्या है कि जो ये पीवीडीएफ फाइबर्स रहते हैं ये अगर सही से अलाइन हो गए तो सेल्स जो है हमारे, जो हमारे कोशिकाएं हैं वो जल्दी से घाव उसमें बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ता है कि थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी से वो बढ़ता है ऐसा है। तो बेसिकली आपको इलेक्ट्रिसिटी याद करना है और ये पीवीडीएफ याद करना है, नासा ने डेवलप किया है घाव भरने के लिए। तो अब मैंने छत्तीसगढ़ में सोचा कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी ये 5 या 6 दिन लगातार मैं इकोनॉमिक सर्वे कवर करता हूँ, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे 2015 इस कारण बिकॉज ये लेटेस्ट है हमारा अभी। तो इसमें अगर कवर करने में तो हमको बहुत फ़ायदा होगा, मैं पूरा चीज़ हम कवर कर देंगे। एंड वी विल टेक टेस्ट ऑन एवरी संडे एज यू नो, सो हर संडे टेस्ट भी होगा इसका, तो उसमें ये सब आपको रिवाइज भी हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज लेट मी नो लाइक आपको ये सही लगा है कि नहीं लगा है, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे में से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो लेट्स सी कैसे चलता है। तो जीडीपी कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट कब से हुआ है, बेसिकली जो इकोनॉमिक सर्वे में या बजट में जीडीपी को यूज़ करना कब से स्टार्ट हुआ है, 2011 से 2012 को साथ में रखते हुए, ठीक है, शुरू हुआ है। देन 2015-16 का जो जीडीपी है वो 25, देखिए कितना है, 25144714, देखिए मेरे को भी याद नहीं आ रहा है कितना होगा ये, तो इतना लाख ग्रोथ रेट है इसका। जो ग्रोथ रेट है वो 12.76% है। हालांकि जो स्थिर सकल घरेलू उत्पाद है, जो स्टेट जीडीपी है वो है आपका 20218,017 लाख, एंड जो ग्रोथ रेट है इसका मतलब जो आपका वृद्धि दर है वो है आपका 7.07%, जबकि नेशनल जो है वो 7.6% है, ठीक है, ये है आपका 7.07%, राष्ट्रीय के माध्यम से ये है 7.6%। डन। कब चालू हुआ, अभी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद की गणना कितनी हुई थी, एंड आपका जीएसडीपी मतलब जो स्थिर सकल घरेलू उत्पाद है वो कितना है, ठीक है। तो हम देखते हैं सेक्टर वाइज, मतलब सेक्टर वाइज से जो फिक्स प्राइस रखा है वो कितना है। तो ये है एग्रीकल्चर, मतलब कृषि में है आपका 0.47 स्टेट का है, 1.1 जो है हमारा राष्ट्रीय है। एंड इंडस्ट्रियल सर्विस में हम 7.07, ये अपना क्या है, ये अपना ग्रॉस स्थिर दर पे जो हमारा सकल घरेलू उत्पादन है वो भी है ये, तो ऐसे आप थोड़ा रिलेट करके याद कीजिए। 7.3 क्या है हमारा राष्ट्रीय का है, ठीक है। देन ग्रोथ रेट, विकास दर जो अपना है 9.81 है, जबकि राष्ट्रीय जो है 9.2 है, बिकॉज पूरा आया था ना तो उस कारण। एंड प्रति व्यक्ति आय जो है 81756 मतलब 81,756 रुपये है, जबकि राष्ट्रीय में बेसिकली भारत में देखा जाएगा तो 93,231 रुपया है। तो एक अजब सी बात है कि इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट उसका जो लो है अभी भी, उसका प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत कम है, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या है, मतलब ये कैसे कैलकुलेट होता है। पहले इंग्लिश में देखते हैं, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग अ मेजर ऑफ ऑल द सोर्सेज ऑफ इनकम, मतलब आप हर तरीके की आय को लेके उसका एक एग्रीगेट बनाते हैं। तो जैसे जीडीपी हुआ या ग्रॉस नेशनल इनकम, उसके बाद फिर डिवाइड करते हैं उसको जितने पॉपुलेशन है हमारे देश में, तो उससे आपका बनता है पर कैपिटा इनकम। तो नेशनल इनकम जो है पॉपुलेशन से डिवाइड होती है, मतलब नेशनल इनकम क्या है, इज द मनी फ्रॉम विच द फाइनल, जो आखिरी में जो अंतिम माल और सेवाओं से आता है ना वो है। तो आप हिंदी वाले यहाँ पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले यहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं दोनों में बता रहा हूँ आपको। तो दैट इज कॉल्ड द पर कैपिटल इनकम। सो इंडिया में बिकॉज जो अमीर है वो हद से ज़्यादा अमीर है और गरीब है बेचारे वो हद से ज़्यादा गरीब है, तो दैट्स वाई द इंडिया का जो अपना पर कैपिटल इनकम मतलब जो आपका प्रति व्यक्ति आय है वो थोड़ी कम है, ठीक है। तो नाउ देखते हैं कि सेक्टरल कंट्रीब्यूशन इन जीएसडीपी, मतलब वो स्थिर जीएसडीपी में सेक्टरल कंट्रीब्यूशन कितना है। तो जीएसडीपी में क्षेत्रवार अंशदान कितना है। बेसिकली एग्रीकल्चर जो है वो 16.9% है, इंडस्ट्री का है 46.3%, और जो सर्विस सेक्टर है मतलब जो हम लोग सर्विस बैंक वैंक ये सब में जो होते हैं ना उनका है 36.8%। तो जो कि एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी उत्पाद है, ठीक है, बट फिर भी देखो आयरनी की क्या बोलते हैं, इसका सबसे कम शेयर रहता है अभी यहाँ पे। तो देखिए 2011-12 में कैसा था कि एग्रीकल्चर में 18% था, जो आपका सर्विसेज में 35% था और इसमें 47% था। तो अभी क्या हुआ है, थोड़ा सा गिरावट आई है सब में, सिर्फ सर्विसेज में बढ़ा है, बाकी सब में 1% गिरावट आई है। तो गाइस प्लीज़ लेट मी नो आपको कैसा लगा ये, बिकॉज इसका बहुत कुछ हमको करना बाकी है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो मैं ये 5-6 वीडियो में कवर करूँगा, बिकॉज करेंट अफेयर्स ये भी है एक तरह से, और यही आएगा डेटा हमको याद करना है बस, है ना। तो प्लीज़ लेट मी नो योर फीडबैक एंड दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी बिकॉज मैंने जो है अपने कल का वीडियो भेज दिया था, लेकिन जब भी अभी जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे कोई भी आपके जो कमेंट्स में नहीं देख पाऊँगा बिकॉज उस वो वीडियो मतलब आज का 1 दिसंबर का जो वीडियो है वो अवेलेबल नहीं हुआ है अभी तक आप लोग के लिए. जब तक फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब की बात है. तो दैट्स वाई देयर इज़ नो अपडेट फ्रॉम यस्टरडे. सो आई एम सॉरी फॉर दैट. एंड बेसिकली आपको अगर कुछ डाउट पूछना है तो आप अपने फेसबुक में ये चीज़ सर्च करिए एंड यू विल गेट इट दिस लिंक, सो यू कैन पिंग मी. ओके एंड सो कोई जाना मत कहीं भाई, इसको रिवाइज करो पहले. बेलंगा क्या है, बेलंगा गांव जो है वो क्या है, कैसे न्यूज़ में आया, क्या आपको मन में आता है बेलंगा गांव को सोच के. अब बस्तर दशहरा जो है वो कितने दिन का चलता है और कब हुआ था, बेसिकली लोका उत्सव जो है वो कब हुआ था, बस्तर लोका उत्सव. ठीक है. अब SBI जो है वो पहला डोमेस्टिक घरेलू ब्रांच बैंक ओपन किया है कहाँ पे, मतलब पहला घरेलू बैंक बना है जो बाहर में ओपन किया है, वो क्या नाम है उसका. नोबेल प्राइज इन मेडिसिन किसको मिला है भाई, अभी तो उन्होंने पीस का देखा, पीस मतलब संतोष, ठीक है, शांति संतोष. एंड चीफ गेस्ट ऑन 2017 रिपब्लिक डे कौन थे ये बता था ना, लंबा सा 6 लेटर का नाम है इसका, सॉरी इनका. सो लेट स्टार्ट अगेन, नॉट स्टार्ट अगेन यार, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. तो हमारा बेलंगा गांव जो है वो फ्री वाईफाई विलेज है और वो जगदलपुर में है. मैंने राजनांदगांव बोल दिया था तो आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा. आई एम सॉरी फॉर दैट. एंड विवेक सर थैंक यू वेरी मच बिकॉज मेरे हम नाम ने इसका सही आंसर बताया एंड 2-3 और लोगों ने पॉइंट आउट किया था. दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव बिकॉज आप लोग ध्यान दे रहे हैं एटलीस्ट. एंड 75 डेज का होता है एंड लोका उत्सव जो था 3 से 12 अक्टूबर में चालू हुआ था. और SBI में ब्रांच यंगून में किया, ये 4th ब्रांच है, ये प्रीवियस कैपिटल था म्यांमार का. तो योशिरो ओसुमी ऐसे कुछ नाम है, ये जापानीज साइंटिस्ट हैं, इनको मिला है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, ये सेल रिजनरेशन स्टडी में इनको मिला है. देन जो हमारे गणतंत्र दिवस में जो आने वाले हैं वो हैं अबू धाबी के प्रिंस, जिसका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान. तो जायद अली खान याद कर लो भाई, ठीक है, वो जो मोहब्बत मिर्ची वाला जो गाने का स्टार था ना, यस मैं हूं ना का जो सेकंड लीड स्टार था, जायद नाम याद कर लो बिकॉज शेख मोहम्मद सब में रहेगा, बेसिकली नीचे वाला आखिरी वाला खत्म होगा, तो जायद अली खान याद कर लो. कूल. आपको ये वाला पेज CGPSC e-ज्ञान वाला पेज सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है, प्लस सबसे मेन बात आप फीडबैक दीजिए. ओके, जैसे आप देते आ रहे हैं, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी हाईली ऑब्लाइज देते आप लोग इतना फीडबैक देते हैं. सो थैंक यू वेरी मच एंड दिस इज विवेक ठाकुर साइनिंग ऑफ.